साथियों, किसानों को सशक्त करने के लिए जिन योजनाओं पर काम होना चाहिए था उनको लेकर पहले की सरकारों का क्या रवैया रहा, उसकी गवाही यहां की उत्तर कोयल परियोजना दे रही है। ये मंडल डैम प्रोजेक्ट उसकी गवाही है। सोचिए, 47 साल यानी आधी सदी ये परियोजना खंडहर के रूप में एक अधूरी लटकी पड़ी है। 1972 में इसकी फाइलें चली थी और फिर अटकती रही, लटकती रही, भटकती रही। पिछले 25 साल से इस परियोजना का काम एक तरफ से ठप ही पड़ा हुआ था। आप मुझे बताइए कि क्या किसी बांध परियोजना को पूरा होने में आधी शताब्दी लगनी चाहिए? क्या यह सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के साथ की गई एक आपराधिक लापरवाही है कि नहीं है? साथियों, ये योजना किसानों के साथ ठगी के साथ ही देश के ईमानदार करदाताओं के साथ बेईमानी का भी सबूत है। जिस परियोजना को 30 करोड़ रुपए सिर्फ 30 करोड़ रुपए में पूरा होना था, वो अब करीब 2400 करोड़ रुपए में पूरी होगी, यानी करीब करीब 80 गुना ज्यादा कीमत अब देश के करदाताओं को इस पूरी योजना के लिए चुकानी होगी। आप मुझे बताइए, जिन्होंने ऐसा किया है वो समाज के गुनहगार है कि नहीं है? वो किसानों के गुनहगार है कि नहीं है? वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? वो बिहार के गुनहगार है कि नहीं है? वो झारखंड के गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे गुनहगारों के खिलाफ मोदी को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? एक चौकीदार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजादी के बाद इतने सालों तक देश कैसे चला है? ये परियोजना, उसका हाल, किसानों का बेहाल, ये जीती जागती एक केस स्टडी करने जैसा काम है। ये परियोजना इस बात की भी गवाह है कि कैसे पहले झारखंड और बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। भाइयों और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। ये फर्क है। जो पहले थे उन्होंने किसान को वोट बैंक समझा, और आज हम हैं जो आपको अन्नदाता मानकर आपकी खेती में आने वाली हर मुश्किलें दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर।